नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कल्चर इंडिया, मेरे यानी किरण बैरागी के साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबर। जुलाई माह में जिमंजगंज थाना क्षेत्र में लगातार हुई चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरी के 150,000 रुपए की कीमत के गहने बरामद किए। सिमंजगंज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक खुलेआम सेंट पॉल स्कूल के सामने हथियार लहरा कर आने जाने वाले लोगों को डरा रहा है। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लेकर आई। पूछताछ करने पर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम त्रिशूल पारदी, पिता गोपाल पारदी, निवासी शंकरपुर पारदी का डेरा बताया, जिसमें 8 जुलाई को भगवान सिंह पिता सुंदरलाल के यहाँ उस समय चोरी की थी जब पूरा परिवार एक विवाह समारोह में शामिल होने गया था, जहां से आरोपी ने 2 मंगलसूत्र, 2 झुमकी टॉप्स, चेन, चांदी की पायजब, नात व चांदी का कंदोरा तथा 4 पायजब चुराए थे। वहीं 24-25 जुलाई की दरमियानी रात को सोनापति मनोज रायकवार अपने बच्चे की तबीयत खराब होने पर अस्पताल लेकर गई थी। उसी समय बदमाश ने ताला तोड़कर वहां से नकदी व चांदी की बिछिया तथा चांदी की पायजब व मोबाइल चुरा कर ले गया था। वहीं बदमाश ने 2 अन्य चोरियों की वारदात के आरोपियों के नाम भी पुलिस को बताए हैं। आरोपी को न्यायालय पेश कर रिमांड पर लिया गया है। सर, एक चोरी का आरोपी पकड़ा है, कितने मामले उससे ट्रेस में, फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या माल बरामद किया गया अभी तक? 18 अगस्त की बात है, रात को 10 बजे के लगभग सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सेंट पॉल स्कूल के आसपास हाथ में बकानुमा हथियार लेके लोगों को डरा धमका रहा है। इस सूचना पर सब इंस्पेक्टर बबलेश के द्वारा उसको तत्काल राउंडअप किया गया, और उस समय जब उससे नाम पता पूछा तो वो अपना नाम पता बदल के बता रहा था, लेकिन हमारा जो स्टाफ उपस्थित था उसने उसकी पहचान त्रिशूल पारधी के रूप में की थी। ये त्रिशूल पारधी जो चोरी के मामलों में वांटेड है और इसके स्थाई वारंट भी हमारे यहाँ पे थाने पर है, तो हमने जब थाने ला के इससे पूछताछ करी, इसने 2 घटनाएँ इसने चोरी करने की कबूल करी है, जिसमें एक कैलाश एम्पायर की घटना है जो इसके द्वारा की गई थी, और एक छोटी मायापुरी की घटना है। इसके कब्जे से सोने चांदी के जेवर हम लोगों ने बरामद किए हैं और 2 मामलों का खुलासा हुआ है। इसके अतिरिक्त इसने अन्य घटनाओं में पूछताछ करने पर 2 और घटनाओं के आरोपियों के बारे में इसने जानकारी दी है, जिनके ऊपर अनुसंधान किया जा रहा है। आज आरोपी को न्यायालय पेश किया जाएगा और इसके 4 और वारंट हैं जिनमें उसको न्यायालय पेश किया जाएगा। सर, और भी किसी साथियों के नाम बताएं, कितनी जो नाम बताए हैं वो पुलिस अनुसंधान में रखे गए हैं और उनको पकड़ेंगे तब अन्य वारदातों का खुलासा हो सकेगा। कितनी वारदातें अभी तक कबूल की थी? इसने जो वारदात कबूल की थी वो 2 वारदात में इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अन्य 2 वारदात जो इसके द्वारा बताई गई है उसमें इसकी संलिप्तता इसने नहीं बताई है, लेकिन वीडियो फुटेज के आधार पर जो आरोपी उसमें दिख रहे हैं उनकी इसने पहचान बताई है। पहले के कोई रिकॉर्ड इसके सामने आए? इसके एक उंडासा रोड पर जो घी की फैक्ट्री है उसमें अपने साथियों के साथ मिलकर इसने वहां मारपीट करके चोरी की थी। उस मामले में भी इसके खिलाफ 2000 का इनाम घोषित हुआ था, तो उस मामले में भी इसकी गिरफ्तारी करके चालान पेश किया जाएगा।